जापान और भारत के बीच एक छोटा सा विवाद पैदा हो गया है। वैसे तो दोनों देश क्वाड के सदस्य हैं और पिछले कुछ सालों से दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लगातार मजबूत हो रही थी, लेकिन रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण भारत और जापान इस बार आमने सामने आ चुके हैं। अब ये तो हमको पता है कि आज की डेट में कई सारे देश यूक्रेन की मदद करने के लिए यूक्रेन को कई तरह के हथियार और ह्यूमैनिटेरियन एड भेज रहे हैं। प्लेन्स में भर भर के एम्यूनेशन और रिलीफ मटेरियल दोनों ही भेजे जा रहे हैं, जो कि सबसे पहले यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजे जा रहे हैं और फिर वहां से लैंड बॉर्डर्स के जरिए यूक्रेन और यूक्रेन की सेना को हैंडओवर किए जा रहे हैं। जापान ने भी बाकी वेस्टर्न देशों की तरह ये डिसाइड किया कि वो भी यूक्रेन की मदद के लिए ह्यूमैनिटेरियन एड भेजेगा। यूक्रेन को ह्यूमैनिटेरियन एड भेजने के लिए जापान ने डिसाइड किया कि वो अपने मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-2 में अपनी तरफ से एड भेजेगा। यहाँ तक तो सब ठीक था, इसमें भारत का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर जापान की मीडिया से खबर आई कि जापान जिस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में रिलीफ मटेरियल भेज रहा है उसको मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर रुककर मुंबई में स्थित यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज के डिपो से कुछ रिलीफ मटेरियल कलेक्ट करना था, लेकिन भारत ने जापान के C-2 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को, जो कि जापान सेल्फ डिफेंस फोर्सेस का एयरक्राफ्ट है, उसको भारत में लैंड होने की सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दी। दरअसल भारत ने जापान को कहा था कि अगर वो अपने प्लेन में इंडिया से कोई ह्यूमैनिटेरियन एड कलेक्ट करना चाहता है तो उसके लिए वो अपना मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि कोई कमर्शियल प्लेन का इस्तेमाल करे, लेकिन अब जापान ने इंडिया से चीजें कलेक्ट करने का प्लान ही चेंज कर दिया है और अब अपनी जिद के ऊपर अड़ गया है कि उसको अपना मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ही यूज करना है। हालांकि जापान के पास एक ऑप्शन ये भी था कि अगर जापान वाकई में यूक्रेन की मदद के लिए भारत से रिलीफ मटेरियल कलेक्ट करना चाहता था तो वो भारत से मटेरियल कलेक्ट करने के लिए अपना कोई कमर्शियल प्लेन भेज सकता था, लेकिन जापान ने ऐसा नहीं किया। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक जापान ने फैसला किया है कि यूक्रेन की मदद के लिए जापान जो ह्यूमैनिटेरियन एड भेजेगा उसके लिए जापान कोई कमर्शियल नहीं बल्कि अपनी एयरफोर्स का मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-2 ही इस्तेमाल करेगा। लेकिन अब जापान सेल्फ डिफेंस फोर्सेस का ये प्लेन, जिसने पहले इंडिया के मुंबई एयरपोर्ट से कुछ एड कलेक्ट करनी थी, वो अब नहीं की जाएगी, यानी ये प्लेन इंडिया में लैंड नहीं होगा। जापान ने कहा है कि उनको इंडिया से क्लियरेंस नहीं मिली है, इसलिए वो इंडिया को रूट से बाहर रख रहे हैं। जापान की तरफ से ये एड मई के पहले हफ्ते में भेजी जाएगी। वैसे भारत को दिक्कत बस जापान के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करने से थी, क्योंकि जापान ने अभी कुछ ही दिन पहले यूक्रेन को बुलेट प्रूफ वेस्ट और हेलमेट्स भेजे थे, जबकि जापान ने कहा था कि वो यूक्रेन की मदद के लिए आगे आने वाले हफ्तों में कमर्शियल ड्रोन्स की तरह और भी मिलिट्री एड और छोटे मोटे प्रोटेक्टिव गेयर्स भेजेगा। जापान जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट भारत से होते हुए यूक्रेन भेजना चाहता था उसमें यूक्रेन के लिए किसी भी तरह की कोई मिलिट्री एड ना हो, कोई हथियार या अम्यूनेशन ना हो, इसलिए शायद भारत ने इस पूरे विवाद में ना घुसने की मंशा से ही जापान के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भारत में लैंड करने के बजाय उनके कमर्शियल एयरक्राफ्ट को परमिशन देना ठीक समझा, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से भारत की धरती का इस्तेमाल रशिया के खिलाफ हो या फिर रशिया और यूक्रेन के बीच में जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए हो। जहाँ तक बात है यूक्रेन के लोगों की मदद करने की, तो जापान और बाकी वेस्टर्न देश जो इस मुद्दे के ऊपर भारत को बुरा भला बोल रहे हैं, उनको ये भी देखना चाहिए कि भारत खुद यूक्रेन को ह्यूमैनिटेरियन एड भेज रहा है। खैर, आपको क्या लगता है कि जापान के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को परमिशन ना देकर भारत ने क्या सही किया, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।